बराड पोहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गाजीगढ़ में गुरुवार को मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजस्व, पुलिस, पंचायत व महिला बाल विकास विभाग से जुड़ी जन समस्याओं को शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने सुना और मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जन समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। मौके पर राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का उद्देश्य है कि समस्याओं को लेकर जनता अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर ना लगाए, बल्कि अधिकारी गांव में पहुंचकर जनता की समस्याओं का समाधान करें। शिविर में तहसीलदार सुनील कुमार प्रभास, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास नीरज गुर्जर, गोवर्धन थाना प्रभारी रूपेश शर्मा, मेडिकल ऑफिसर अविनाश धाकड़ के साथ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इसमें यह रहता है कि जो प्रथम संतान है उसके उसके लिए जो बात रहती है उनको 300 की पहले के 3000 है, दूसरे के 2000 है, तीसरे के 2000 इस प्रकार से 5000 रुपये उस परिवार को मिलते हैं जो प्रथम संतान। उसके बाद एक योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरकारों के लिए है, मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद योजना। उसके अंतर्गत ऐसे कोई भी बच्चे हैं जिनके माता एवं पिता दोनों की किसी भी वजह से मृत्यु हो गई है, ऐसे परिवार या ऐसे बच्चे जिनके माता और पिता दोनों की किसी भी कारण से बीमारी से किसी वजह से मृत्यु हो गई है, तो वो बच्चे उस योजना का लाभ ले सकते हैं। कि हमारे 3 योजना के बारे में मैं कराना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जन सेवा योजना में जो 37 योजनाएं हैं उसमें हमारी 3 योजना महिला बाल विकास की है, नंबर 1 लाडली लक्ष्मी योजना, नंबर 2 प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एवं तीसरी मुख्यमंत्री। तो बीपीएल कार्ड बंद हो गए, लेकिन वो बीमारी के लिए बीपीएल बनवाना चाहते हैं तो मैं तहसीलदार साहब से आग्रह करूंगा हम उसका लाभ ना लें लेकिन हम बीमारी का लाभ लें, इसलिए दोनों के कार्ड के भी बना के हमारे किसान तक भिजवा दें। हमारे किसान की जमीन में नहीं बना उसको पावर कहाँ से मिलते हैं, कौन सा सेक्रेटरी आ गया राजगढ़ सेक्रेटरी कौन है जमीन में नहीं के। जी और ये तलैया यावेन किसान ये तलैया लेकिन अब सरकार को भी कुछ करना चाहिए, सरकार हमारे द्वारा तो आज से आपकी सरकार आपके द्वारा और एक एक व्यक्ति से मिलकर आपकी समस्या को सुना जा रहा है और जाए जो भी समस्या होगी उसका निराकरण आज यहाँ होगा। तहसील में आप आई चल योगी की तारी के तो उसका निराकरण तहजा साहब तहसील में जाए करेंगे, जनपद का जहाँ होने लायक काम हमारे संजय भी करेंगे, हमारे जनपद के प्रतिनिधि भी हैं, हमारे कर्मचारी भी हैं और राज्य से सभी हमारे साथ पटवारी हैं, बी एच ई सी भी हैं, विद्युत मंडल से है कभी विद्युत मंडल से खबर नहीं की थी आपकी समस्या आपके कारण और आपकी सरकार आपके द्वारा। आज थोड़ा जनसंख्या कम है लेकिन कम नहीं है फिर भी बहुत अधिक है, तो इस समय किसान का काम का समय है, सोयाबीन की फसल कटाई का 300-400 रुपये मजदूरी मिल रही है लेकिन एक हम उपलब्ध नहीं करेंगे, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये शिविर हम हर महीने में एक या दो शिविर पंचायत पर जाते हैं, 4-5 पंचायतों को लेंगे वो भाव शिविर और शिविर में ऐसा कोई व्यक्ति ना रहेगा वो अपनी समस्या हल करेगा। अभी गांव के लोगों को यही पता नहीं कि योजना कितनी है, कुछ गांव में लोगों को यही पता नहीं कि योजना कितनी है। हम 36 योजना आपको संचालित करते हैं और 36 योजना ऐसे कोई योजना नहीं है वो किसान से संबंधित ना हो। अभी आज आने का